दुर्गा महाराज की शक्ति का ना अब इसे दिखाया जाएगा। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के अंदर। और भाई आज है तारीख 27 और आज है भाई जन्माष्टमी का अंतिम दिन। और आज के दिन हमारे यहाँ लगता है भाई गुग्गा महाराज जी का मेला, जो बिल्कुल ठीक मेरे सिर के पीछे है मंदिर ना। अभी आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो फटाफट से वहाँ निकल रहे, बहुत भीड़ है आज वहाँ पे ना पहाड़ों के मेले की। तो भाई मेरे गाँव के बिल्कुल ठीक सामने जो ये पहाड़ है ना, यहाँ पे इस जगह पे मंदिर है गुग्गा महाराज जी का। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई है और मेले में लोग लगातार आ रहे हैं। अब देखो टेंट भी लगा हुआ है भाई। चलो यार अभी चलो। तो भाई भाई तो अपने बिजी अपने काम है ना, अभी तो शायद भाई का प्लान अभी है नहीं चलने का। फटाफट से भाई तैयार होके जरा आप निकलते हो मेले की तरफ। A few moments later. चलो जी मेले में जाने की मेरी तैयारी हो गई बढ़िया, अपना कुर्ता पजामा ढाक के बढ़िया से, अब जूते तो साथ में जा रहा है मेरा दोस्त भी। चलो दोस्त चलो आप अपना बुआ के साथ। ओ इधर रास्ते में बकरी घास खा रही है। ओए गिर जाएगी वहां से, गिर जाएगी। हैं घंटी है किसको, बकरी को? हाँ यार सच में ही है भाई। बारिश का मौसम बिल्कुल एकदम बना हुआ है, हवा चल रही है बहुत तेज ना, तो देखो जरा बारिश भी हो सकती है। बादल वगैरह तो ज्यादा है नहीं, थोड़े थोड़े ही है बस, ऊपर है थोड़े से, बीच में बस इतने ही है। लेकिन हम फिर भी साथ में छाता ले गए बारिश से बचने के लिए। तो अब हम दोनों बंदे निकल पड़े मेले के लिए अपने गांव से। तो मेले की जगह पर हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो देख लो सामने, अभी तो हमें रश यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हल्का सा, पर जैसे हम यहाँ पहुँचेंगे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो रास्ता देख लो भाई इस तरह से है जाने का ना। अब तो हम पहुँचने वाले हैं गोगा मंदिर के का जो रास्ता है वो ऐसा ही बिल्कुल तंग जैसा ना। तो फाइनली भाई मैं इधर गोगा मंदिर के पास पहुंच गया हूँ, पर यहाँ पर ना रश अभी बहुत कम है, थोड़ी देर में मतलब यहाँ पूरा भर जाएगा एकदम ना, ये सीढ़ियाँ वगैरह पूरा ऊपर मंदिर तक ना। तब तक जरा रेस्ट कर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंतजार करते हैं अच्छी गाड़ी का। अब थोड़ी देर में ना गोगा महाराज की शक्ति का ना वो दिखाया जाएगा, यहाँ पे सीन दिखाया जाएगा। वो सीन ना कसम से बहुत ज़बरदस्त होता है भाई, वो देखना आपने, वो बहुत बहुत गजब का होता है। Yeah.
वो। यहाँ पे भाई गोगा महाराज जी की शक्ति का ना जो प्रदर्शन आपने देखा, उसके बाद अब यहाँ पे देखो लोगों की जो भीड़ है ना भाई, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई अब देखो पीछे कितने सारे लोग आ गए और कुछ बंदे इधर पीछे बैठे हुए भी ना पर्दे के पीछे आराम से साइड में देख रहे भाई। अब इतना मतलब एक आप ये कार्यक्रम इतनी भी आप ये महिला है ना इकट्ठी हुई हुई, ये पहाड़ी कल्चर में यहाँ पे डांस वगैरह होगा, गाने वगैरह जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी इस तरह से देखो भाई ये जो भीड़ है ना यहाँ पे अब इतनी ज़्यादा हो गई है, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे अब नाटी वगैरह होगी, लेकिन गोगा महाराज की शक्ति भाई फिर से दिखाई जा रही है यहाँ पे। देखो भाई सामने ओ भाई साहब फिर से आगे भाई गोगा की शक्ति का प्रदर्शन देखो भाई जबरदस्त हुए। जय हो गोगा महाराज। जरूरी काम से ना मेरे को अभी 4:15 घर जाना पड़ रहा है, मतलब जो मेरा गांव है ना सामने उधर इस साइड ना। तो यार ये पहाड़ी मेला आपको कैसा लगा बताना आपने जरा कमेंट में, हमारे पहाड़ों का ये गोगा महाराज जी का मेला इसके बारे में आपकी राय क्या है आप? देखो भाई कुछ बंदे अब जाके मेले में आ रहे हैं। अरे तभी देखी का सब्सक्राइबर मिल गए बंदे, बोलो जो हम आपका चैनल देखते रहते हैं।
थैंक यू भाई। चलो ठीक है, जाओ आराम से ना बाय। तो ये जो मेला आपने देखा ना अभी, ये सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही लगता है, बाकी के दिन नहीं लगता है। तो इस मेले में वैसे आपने देखा ही होगा कितने सारे बंदे यहाँ पे आए थे एंजॉय करने। जाया करो आप भी मेले में, है इंटरेस्ट नहीं है, है? चलिए सही है। तो कुछ बंदे होते हैं ऐसे ना, बच्चे भी होते हैं कई बार ऐसे ना, जिनका मेले में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेले का वेट करते रहते हैं कि बस मेला आए उसमें हम जाए, क्योंकि उनके लिए तो खिलौना है ना वो मेला, खिलौने वहाँ मिले ना मिले लेकिन वहाँ पे भीड़ भड़ाका शोर ये सब पसंद होता है बच्चों को। नमस्कार जी, आप क्यों आए मेले में, क्यों नहीं आए? मुन्ना कैसे? अच्छा आराम फरमाइए। तो वापस आते हैं भाई, अपने पार्टनर से मुलाकात हो गई। अब इस वीडियो को ना मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, ये कह रहे बोलो दिखा मेरे को वीडियो क्या क्या प्रोग्राम था वहाँ पे, तो फटाफट से इसको वीडियो दिखा देता हूँ पर है ना, और इस वीडियो को ऐड करके इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर बढ़िया लगी तो कर दो लाइक। अगले चैनल में अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखो बढ़िया से, तभी तो हम अगली वाली वीडियो देखेंगे ना, तभी तो मज़ा आएगा। मस्त रहो, बिंदास रहो, जय हिंद।